बहुत कुछ तो मैं कह ही चुका हूँ, आप लोग रिकॉर्ड भी उम्मीद करता हूँ कर चुके होंगे। फिर से कहूँगा कि ये जो शो है डील और नो डील, ये एक अंतर्राष्ट्रीय शो है जो 118 से ज़्यादा देशों में ये फिल्माया गया है और हर देश में ये सुपरहिट रह चुका है। इस बार भारत में हम एक बार फिर से ये शो कर रहे हैं एक बदलाव के साथ, कि जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है, अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट है इसका, जिसमें मॉडल्स होती हैं ब्रीफ केसेस के साथ, जिसमें रकम होती है, उसकी जगह में हम सशस्त्र परिवार को ले आए हैं। जो कंटेस्टेंट है उसका परिवार साथ में खेलेगा, और हमने जो चैनल्स हैं, जो वार्तालाप के चैनल्स हैं कंटेस्टेंट और फैमिली के बीच में, वो खुली रखी हैं। तो और बाकी जो परिवार में एक जो जैसे संबंध होते हैं, जैसे रिश्ते होते हैं किसी के साथ में, वो रिश्ते भी ऑटोमेटिकली खुल के आ जाते हैं सामने। तो ये थोड़ा सा एक ट्विस्ट है हमारे शो में। मुझे लग रहा है कि जितना मज़ा मुझे शूट करने में आया है इस शो को, उतना ही मज़ा आएगा दर्शकों को भी। इससे पहले ऐसा शो सर कर चुके हैं? नहीं, ये प्रथम बार कर रहा हूँ। इसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर अमिताभ की झलक देख रहे हैं, मीडिया ने भी बोला है, आपको क्या लगता है? सर पता नहीं, अब केबीसी का नाम आता ये है, का नाम पहले आता है। वो तो देखिए, वो जो बच्चन साहब जो करके गए हैं, वैसा करना तो हम सोच भी नहीं सकते। वो बहुत बड़ी भूल होगी अगर हम वैसा सोचें। अब मुझे पता नहीं क्या है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ वही हूँ, वैसा ही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे टेलीविज़न पर लोग बिग बी ऑफ टीवी भी कहते हैं, तो हो सकता है कि मैं उनसे प्रभावित हूँ। हो सकता है जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो उनकी झलकी आती है मेरे अंदर से, हो सकता है ये लोगों का नज़रिया हो। पर जो भी है, उनके नाम से नवाजा जाए आपको या आप में उनकी झलक नज़र आए, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। सर, एंट्री की अगर बात करें, किस तरह एंट्री है और हाईएस्ट कितना इनाम है इसमें? किस तरह एंट्री है? हाँ, एंट्री एंट्री के लिए हाँ, नहीं नहीं, बहुत बहुत साधारण सा सरल सा रीत है, सरल सी रीत है। एक नंबर है, उस पर दूरभाष यंत्र चलित, फिर दूरभाष टेलीफोन से, मोबाइल टेलीफोन से नाम पता इत्यादि इत्यादि एसएमएस करना है 57575 पर, और कल अपना एनटीवी की वेबसाइट भी है तो उस पर भी लोग रजिस्टर कर सकते हैं। तो पिछली बार जब हमने कॉल फॉर एंट्रीज दी थी, उसके बाद 1300 एप्लीकेशंस टीवी ये दुनिया ही, दोनों दुनिया अलग अलग हैं। एक में अभिनय है, एक में अभिनय बिल्कुल नहीं है। डील और नो डील जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ही मेरा व्यक्तिगत रूप है, उसमें कोई अभिनय नहीं है। और जैसे कि मैंने मंच पर भी कहा, जो भी मेरे जो रिएक्शंस हैं वो लोगों के, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स के एक्शंस हैं उससे प्रेरित रिएक्शंस हैं। तो रियलिटी है, तो वाकई में ये रियलिटी ही है। सर, केबीसी जो है वो टैलेंट के ऊपर होता है, पढ़े लिखे हैं, क्वेश्चन आंसर के जवाब होते हैं, लेकिन ये लक के ऊपर है। कुछ लोगों ने मीडिया में, जैसे अभी आपने बोला, मीडिया वालों ने कहा कि एक जुआ है, उसके बारे में आपके क्या कहना है? ये मैं जैसे कि मैंने अभी मंच पर समझाया भाई साहब को कि लक, डेस्टिनी, ये सारी चीज़ें तो मतलब हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पर ये कहना कि ये लक का शो है, ऐसा नहीं है। अगर लक का शो होता तो जुआ अगर होता तो जुए में कुछ पाने के लिए आपको कुछ लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ कॉन्टेस्टेंट सिर्फ आता है, हम कॉन्टेस्टेंट से कुछ मांग नहीं रहे। और लक की बात है नहीं, क्योंकि रकम जीतने से पहले, ले जाने से पहले सवाल के जवाब भी देने पड़ते हैं, खेल खेलने के लिए भी सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जनरल नॉलेज का भी हाथ है और बैंकर का ऑफ़र भी है। तो ये नहीं कि बस आप एंड तक खेलते जाएं और जो बनी बनी, जो नहीं बनी तो नहीं बनी। बीच में भी आपकी सोच इन्वॉल्व होती है, कि आप सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, इस मोड़ पर आगे खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, सिर्फ लक पे बेस्ड गेम नहीं। अमिताभ की तरह अगर पहली सीडी है हमारी, अमिताभ से क्या क्या टिप्स आपने, मतलब शो को कितना कुछ आपने
चुराया नहीं कह सकते हैं, कुछ ना कुछ आप कॉपी करते हैं। नहीं, चुराया क्यों नहीं कह सकते, मैं तो खुला कहता हूँ मैं चोर हूँ। और मैं न केवल बच्चन साहब से, मैं हर उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ चुराता हूँ जो मुझे कुछ ना कुछ दे सकता है। जो भी अच्छी बात होती है किसी व्यक्ति में, मैं देखता हूँ मुझे लगता है कि इस व्यक्ति में ये बात बहुत अच्छी है, मैं उससे वो बात चुरा लेता हूँ और उससे उसका अभ्यास करता रहता हूँ जब तब तक कि वो बात मेरी खुद की ना हो जाए। इस शो के बारे में क्या, इस शो में क्या है? इस शो में कुछ नहीं है, इस शो में अमिताभ से जो आपने बताया। हाँ सर, बिग बी से क्या, 20 घंटे एक मिनट सवाल पूरा होने दो। हाँ, बिग बी से क्या चीज आपने इसमें जो आपको लगा बिग बी से? देखिए सर, बच्चन साहब, न केवल बच्चन साहब, उनका पूरा परिवार मेरा बहुत चहेता है, हमारे परिवार का चहेता है, उनके घर पे आना जाना है हमारा। तो एक बात उनमें से ढूंढना बहुत कठिन है, क्योंकि जो उनका करियर रहा है आज भी जिस ऊर्जा से, जिस सुंदरता से वो अपना कार्य करते हैं, उनकी हर बात में प्रेरणा है। तो आपको एक बात मैं कैसे बताऊं? क्या कहूं आप बताइए, इतना तो मैं बोल चुका हूं, और क्या कहूं? एंट्री के लिए क्या बोलेंगे आप अपने फैंस को, क्या कहना चाहेंगे आप एंट्री के लिए, इसमें आने के लिए, आगे आने के लिए? ये जो हमारा हमारे कॉल फॉर एपिसोड चल रहे हैं वो एन टीवी पर हर शो में आते हैं, तो बहुत सिंपल सा है, 57575 पर नाम पता इत्यादि एसएमएस करना है, और एन टीवी का जो वेबसाइट है उस पर भी रजिस्टर कर सकते हैं। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज लॉन्च हुआ है एंड हम लोग ने रौनित और शरद दोनों को एक साथ स्टेज पे देखा। इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड वी आर प्रीटी किक्ड अबाउट एजेंट राघव बिकॉज ऐसा शो अभी तक इंडिया में हुआ नहीं है, क्राइम ब्रांच का कोई शो नहीं हुआ है, एंड हम लोगों ने काफ़ी धड़ाम धड़ूम वाले शोज तो देखे ही हैं, बट आई थिंक दिस इज़ अ डिफरेंट शो बिकॉज यहाँ पर आप एक्चुअली आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ करेंगे। राघव इज़ गिफ्टेड एंड समबडी हुज़ गॉट कीन आई टू डिटेल्स, यू नो, एंड दैट इज़ समबडी इज़ समबडी लाइक हिम टू बी ऑन आर टीम इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। इसमें मतलब यू नो व्हेन आई वाज रीडिंग द स्क्रिप्ट्स एंड मैं एपिसोड्स पढ़ती हूँ तो मैं भी सोचने लगती हूँ कि अब क्या, यू नो, अब क्या, ओह शिट, ये क्या हो गया, यू नो, इट्स लिटरली लाइक दैट। सो आई थिंक टू बी एबल टू कीप योर ऑडियंसेस ग्लूड टू द टेलीविजन एंड नॉट बी एबल टू गिव आउट द प्लॉट इज समथिंग दैट इज वेरी एक्साइटिंग अबाउट द एपिसोड्स एंड या आई थिंक यू ऑल शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। मेरा किरदार तो बहुत पहले से तैयार है, मेरी मम्मी सीबीआई में है, मेरी मम्मी डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं सीबीआई की, 12 साल से सीबीआई में है, और जब मुझे ये कैरेक्टर मिला तो मेरी मम्मी ने मेरे पे एक्चुअली जोक किया, शी वाज लाइक ओ यू आर प्लेइंग मी, सो यू नो इट इज लिटरली लाइक दैट, सो आई वाज लाइक या आई एम प्लेइंग यू। सो आई हैव बीन सीइंग द वे माय मम इज द एंटी करप्शन, तो ये तो होमसाइड्स एंटी करप्शन सब में है, बट मोस्टली होमसाइड्स, बट मम्मी एंटी करप्शन में है, सो मैं जानती हूँ कि उनके रेड्स कैसे होते थे, वो बहुत बार घर आके हम लोग के साथ केसेस डिस्कस करती थी, तो आई नो द एक्चुअल प्रोसीजर्स ऑफ सीबीआई, लेकिन मुझे मालूम है कि शो में थोड़ा फिक्शनलाइज करना पड़ता है, थोड़ा फिल्मी होना पड़ता है, यू नो, तो इतना आप रियलिज्म में नहीं घुस सकते हैं, बट कीपिंग दैट इन माइंड आई थिंक एपिसोड्स काफ़ी क्रिस्प हैं और मेरी तैयारी तो आई थिंक बचपन से ही हो रही है। काफ़ी उन्होंने काफ़ी केसेस सॉल्व किए और काफ़ी बड़े बड़े केसेस सॉल्व किए हैं। चलने का तरीका तो मम्मी से मुझे बचपन से ही मिला हुआ है मेरी माँ की तरह मैं बात भी करती हूँ, आई थिंक मेरे काफ़ी जो मेरा जो बात करने का तरीका है, मेरा जो खड़े होने का तरीका है, मेरा जो लोगों के साथ मजाक करने का तरीका है, मेरा जो गुस्सा होने का तरीका है, वो काफ़ी मेरी मम्मी से मिलता जुलता है, तो आई थिंक बचपन से मेरी मम्मी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही ट्रेनिंग दे रखी है इन चीज़ों में। सो वो टिप्स एंड प्लस ऑब्वियसली केसेस कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स हुए होंगे, कैसे वो सीबीआई में आई होंगी, यू नो, सो दिस बैकग्राउंड फॉर मी टू बिल्ड आई थिंक वो मेरी मॉम से मुझे काफ़ी टिप्स मिली। बिग बी के साथ मैंने एक साल काम किया है और आई थिंक एक्सपीरियंस आई थिंक मैंने पहले भी कहा है कि बिग बी के साथ काम करना मतलब तीर्थ यात्रा पे जाने के
लाइक इट्स लिटरली उतना इक्वल है. तो उनसे मैंने बहुत सीखा, उनसे मैंने ठहराव सीखा, उनसे मैंने अपने काम को कितना सीरियसली लेना चाहिए, अपने काम पे कितना फोकस करना चाहिए, अपने सीन्स कितने अच्छी तरह से डिलीवर करने चाहिए, कितनी सीरियसनेस होनी चाहिए अपने काम के प्रति. और मैं बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु नसीर साहब हैं, मेरे गुरु मकरंद देशपांडे और मेरे गुरु अमिताभ बच्चन हैं. ये तीन मेरे गुरु हैं और ये तीनों इतने पागल हैं अपने काम के पीछे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इन तीनों से इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ सीखा है, एंड आई ओनली फील लकी. शरद इज क्वाइट फैबुलस टू वर्क विथ. एंड मुझे थोड़ा पहले दिन मिली, मैंने कहा यार पता नहीं बात करते हैं. मेरा हमेशा वैसे होता है क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि एक एक्टर का मिजाज कैसा होता है. बट आई थिंक शरद इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव पीपल आई हैव मेट इन माई लाइफ. वो हर कभी कभी मैं गुस्सा हो जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा सीन अच्छा नहीं जा रहा है, बट शरद विल ऑलवेज सी अ पॉजिटिव इन द नेगेटिव. एंड आई थिंक वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी ग्रुप को एक साथ रखने में. एंड ये टीम का शो है, तो टू बी एबल टू कीप डिफरेंट टीम्स और डिफरेंट दूसरों के एटीट्यूड्स होते हैं, लोगों के गुस्से होते हैं, लोगों की खुशियाँ होती हैं, यू नो, तो उन सबको कंट्रोल में रखना कैसा होता है. लाइक शरद इज़ अ वेरी पॉजिटिव वाइब अमंगस्ट आई थिंक ऑल ऑफ अस. तो आई थिंक शरद के साथ काम करने में और मज़ा आएगा. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. थैंक यू. आज हमारा एजेंट राघव का प्रेस लॉन्च है जो कि 5 सितंबर से रात को 9 बजे आईएन टीवी पर है. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्राइम डिटेक्टिव शो है जिसमें आपको बहुत ही अच्छी कहानियाँ और उनको सुलझाने का तरीका, जो एक अनूठा तरीका है इस एजेंट का, वो देखने को मिलेगा. एक्शन है, थ्रिल है, बट जो टेक्निक्स हैं, जो एक तरीका है जिस तरीके से एजेंट राघव सॉल्व करता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है. कभी टीवी में किया नहीं है ऐसा. और मुझे लगता है कि लोगों को जो तरीका है, जो स्पेशली जिस तरीके से लोग गुत्थी में पड़ेंगे कि यार ये इसने कैसे पकड़ा या ये इसने कैसे किया, ये बहुत सारे सवाल आएंगे और उसका सबका जवाब एपिसोड में मिलेगा आपको. यार तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज मैं नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट हूँ. मैं लोगों को बहुत देखता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सिक्स सेंस है लोगों के बारे में पर्टिकुलरली. और टच वुड इसलिए बहुत दुश्मन नहीं है मेरे, क्योंकि जो दुश्मन बन सकते हैं उनसे मैं बात ही नहीं करता या दोस्ती नहीं करता. समझ सकता हूँ कैरेक्टर को काफ़ी अच्छे से, क्योंकि आप किसी इंसान को ढंग से ऑब्जर्व करोगे तो आप उसको पहचान सकते हो. इंसान का दिमाग जो है वो इंसान बहुत कम यूज़ करता है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं. इसलिए एजेंट राघव, उसका दिमाग लोगों से थोड़ा ज़्यादा चलता है, बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, पलक झपकते ही वो चीज़ें पढ़ लेता है, आदमी क्या कहना चाहता है, उसके पीछे की बात क्या है, सब भाप लेता है. तो वो सब चीज़ें हैं जो मैं वैसे भी करता रहता हूँ नॉर्मल लाइफ में. आजकल भी एजेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं होते एजेंट्स. बहुत सारे एजेंट्स हैं, कि तो मेरे पहचान के भी हैं जिनकी आइडेंटिटी नॉर्मली छुपी रहती है, बट अब आपकी फैमिली में तो आप जानते हो कि यार ये ऐसा है. नॉर्मली होते, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं. बस यही कि आज तक आपने जितना प्यार दिया है मुझे टेलीविज़न पे, फिल्म्स में, बरकरार रखिए. आप सब लोगों के लिए लौटा हूँ 2.5 साल के बाद, तो उम्मीद है कि आप लोगों को शो पसंद आएगा और मुझे आप उतना ही प्यार देंगे जितना पहला दिया. नहीं नहीं, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप लोग. नहीं, देखिए जैसे रॉनी जी ने कहा कि सभी मोस्ट ऑफ द एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा और टेलीविज़न, उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी उम्र के हैं, उन्होंने बच्चन साहब को ही देखा है बचपन से आज तक, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखा है. वो एक जैसे वो खुद कहते हैं कि वो खुद अभी एक शिष्य हैं, खुद सीख रहे हैं, और हमारे लिए वो एक पाठशाला है जिनसे हम सीख रहे हैं. फिलहाल टीवी में तो एक इतना इम्पोर्टेंट और इतना अच्छा शो मुझे मिला है, तो पूरा कमिटमेंट वहाँ है एजेंट राघव. फिर कुछ फिल्में हैं, एक फिल्म आ रही है आप जल्दी देखेंगे इस शो के एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद, हीरो आएगी, वो देखिएगा आप 11 सितंबर को अपने नज़दीकी सिनेमाघर में.